नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल, और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं वास्तु का सच सर्व एस्ट्रो तक पर। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर। चलिए अब बात करते हैं आज के विशेष टॉपिक की। क्या आपके भी हाथों में नहीं रुकता है पैसा? क्या आपके घर में भी नहीं टिकता है पैसा? रहें सावधान। देखिए, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ में धन नहीं टिकता है, पैसा आता है और चला जाता है? क्या आपके घर में भी ऐसे हालात हैं? तो आप विश्वास कीजिएगा, आपके घर में एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। और वो क्या वास्तु दोष है, मैं आपको बता देता हूँ। जिस किसी के भी घर में नीले रंग का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा आर्थिक दृष्टिकोण से परेशान रहते हैं। नीला रंग राहु को संबोधित करता है। नीला रंग व्ययता का सूचक है, आकाश का सूचक है। आकाश में हर चीज घुल मिल जाती है, खो जाती है। और आकाश एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर राहु और केतु दोनों ही परागमन करते हैं। इसकी जो एक्सिस है, छाया की एक्सिस जो होती है, वो हमेशा आकाश तत्व को ही बिलोंग करती है। आपने देखा होगा, जब कभी भी ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण पड़ता है, तो क्या चंद्रमा की छाया आ जाती है बीच में। जब कभी भी रात होती है या कभी ऐसी सिचुएशन होती है, तो चंद्रमा छाया के अंतर्गत आ जाता है, छुप जाता है चंद्रमा। ऐसे केस में राहु और केतु बहुत ज्यादा बड़ा काम कर देते हैं नीले रंग के ऊपर। अगर आपके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं तो जरूर देखिए इसे। क्या आपके घर में दक्षिण पूर्व दिशा में नीले रंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या आपके घर के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में लाल रंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है? क्या आपके घर की उत्तर दिशा में सफ़ेद रंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है? क्या आपके घर की उत्तर पश्चिम दिशा में हरे रंग का या भूरे रंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है? तो आप विश्वास कर लीजिएगा, आप कितना भी वास्तु का जोर लगा लें, कितना भी जंतर मंत्र तंत्र कर लें, आपके घर पैसा नहीं टिक सकता। उसका कारण यह है, दिस इज द डिसप्लेसमेंट ऑफ एनर्जेटिक और ऑफ द प्लैनेट। ऐसे केस में आपको ये सलाह दी जाती है कि घर की उत्तर पश्चिम दिशा में कभी भी हरे रंग का इस्तेमाल ना करें, घर की उत्तर दिशा में कभी भी सफ़ेद रंग का इस्तेमाल ना करें, घर की दक्षिण पूर्व दिशा में कभी भी नीले रंग का इस्तेमाल ना करें, और घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में कभी भी लाल रंग का इस्तेमाल ना करें। दूसरी बात यह कि कभी भी अपने घर की तिजोरी घर की उत्तर दिशा में ना रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कभी भी घर की तिजोरी नीले रंग की या काले रंग की न रंगवाएं, ना उसे पुतवाएं। तिजोरी हमेशा लाल रंग की होनी चाहिए या पीले रंग की होनी चाहिए, और विशेष तौर से तिजोरी जो हो हमेशा उत्तर की तरफ मुंह करती हुई हो। साथ ब साथ के अंदर आप स्पेशली एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दें, वो ये कि काले रंग के बटुए का कभी इस्तेमाल ना करें पैसा रखने के लिए, अन्यथा आपके हाथ में कभी पैसा टिक नहीं पाएगा। और एक विशेष उपाय ज़रूर करें पैसे को टिकाने के लिए, वो क्या करें मैं आपको बता देता हूँ। आप सर्वदा एक काम ज़रूर करें, वो ये कि आप विशेष तौर से एक उपाय ज़रूर करें, और वो ये करें कि घर की दक्षिण पूर्व दिशा में विशेष तौर पर एक नीले कांच की बोतल में आप एक मनी प्लांट रखें, और उस मनी प्लांट में जिसका पानी है उसमें विशेष तौर से आप 6 जिरकॉन आप डालकर उसे स्थापित कर दें। निश्चित रूप से पैसा जो आपके हाथ से फिसल जाता है उसको बचाने में बड़ी सफलता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक, अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।